मऊ जनपद के पुरानी तहसील निवासी एक चौहान परिवार ने ईमानदारी और इंसानियत की मिसाल पेश की है। दरअसल यह पूरा मामला सन 2016 का है, जब नवंबर की ठिठुरती ठंड में सरवा निवासी राजेंद्र प्रसाद का परिवार किसी वैवाहिक कार्यक्रम में नगर के पुरानी तहसील पहुंचा हुआ था, लेकिन इसी दौरान राजेंद्र प्रसाद के बिटिया का बैग कहीं पुरानी तहसील में गुम हो गया। काफ़ी खोजबीन और जद्दोजहद करने के बाद भी उनके हाथ निराशा लगी, जिसके बाद वह हिम्मत हार के वापस घर लौट गए। लेकिन उन्हें क्या पता था कि नगर के पुरानी तहसील निवासी अशोक चौहान और उनकी धर्मपत्नी मीनू चौहान ईमानदारी की मिसाल पेश करते हुए उनके खोए हुए बैग को वापस लौटा देंगे। इस घटना को लगभग 7 साल बीत चुके थे और राजेंद्र प्रसाद के परिवार को खोए हुए बैग के मिलने की उम्मीद ना के बराबर ही थी, लेकिन अशोक चौहान की मेहनत और लगन के कारण वे राजेंद्र प्रसाद के परिवार को ढूंढ निकाले और उनका खोया हुआ बैग उनको वापस लौटा दिए। अशोक चौहान, पुरानी तहसील मछली मंडी। हमको 27 नवंबर को 2016 शाम के टाइम इस खड़ंजे पर बैग गिरा मिला और हम लोग उसको अच्छी तरह से आज तक उसको रखे हुए थे संभाल कर कि भाई किसी का होगा तो आकर अपना ले जाए। पता नहीं लगा आज तक, उसमें कोई प्रूफ नहीं था, खाली बैठे फोटो था। तो हम लोग जाते थे तो मिलान करवाते थे, कहीं कोई नहीं सुराग देता था कि कहाँ का है। क्या क्या अपना सामान था? उसमें था एक हार था सोने का, और एक मनटीका था, और नथिया था, और हाथ का पंजा था, और एक टीका था, लॉकेट था। किसका बैग है? हमको पता ऐसे चला कि एक मुकेश नाम के हैं, उनको हम कहे कि भाई ये हमारे पास, उनको विवरण बताए हम कि हमारे पास ये बहुत दिन का पड़ा है, इस पता अगर मिल जाए तो उसको दे दिया। उनको फोटो मिलवाए, वो बताया कि नहीं हमारा ये सामान है भैया, तो हम कंफर्म हो गए कि नहीं उन्हीं का सामान है, पूरा दिन कंफर्म हो गए। आज घर पर बुला कर उनके सौंप दिए। वर्तमान समय में लोग भरोसा नहीं करते हैं, सामान मिल जाता तो या तो रख लेते हैं या तो कहीं। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन तो भाई अब अपना अपना विचार है। अब तो कैसे आपके मन में ये आया कि हम, हमारे मन में दूसरा का सामान हमको नहीं ये होता है, अपने जितना बलबूते जितना कमा लें, बस जीव कैसे कुछ कर लें वही ठीक है, दूसरे का सामान मट्टी सामान सोचते हैं। लगभग लाखों का सामान रहा होगा, लोगों को मिलता है तो लालच है। हाँ ये तो है, लोग हम लोग के लालच नहीं, हम लोग के ये नहीं था। आज आपने सामान दे दिया? आज हमने सामान दे दिया। कैसा महसूस कर रहे हैं जिसका सामान था उसे लौटा? बहुत खुशी हुई हमको, बहुत खुशी हुई जी। मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद है, मैं ग्राम शाहपुर का निवासी हूँ और मेरी बेटी की शादी सरवा गांव में हुई है, और मेरी बेटी का सामान कुछ जा रहे थे लोग पार्टी वगैरह में तो गिर गया था। तो आज हम लोगों को 27 नवंबर 2016 को गायब हुआ था और हम लोगों को बहुत खोजे लेकिन पता नहीं चला। आज महानुभाव द्वारा हम लोगों को पता चला है, बड़ी खुशी हुई है कि इनके यहाँ सामान है, तो हम लोग बहुत ही इनको धन्यवाद देते हैं कि ऐसे लोग भी इस समाज में, चाहे इस धरती पर हैं कि अपना सामान को ही सामान समझते हैं, दूसरे के सामान को मिट्टी सामान समझते हैं, उनकी भूरी भूरी मैं प्रशंसा करता हूँ। आपको लग रहा था कि सामान मिलेगा आपको? जी हम लोग तो बहुत खोजे, हम लोग तो निराश हो गए थे, लेकिन एक उम्मीद की किरण जगी कि यह सामान यहाँ पर है, तो हम लोगों इन साहब के घर हम लोग भगे भगे आए और इन लोगों ने पहचान करके हम लोगों सामान को सुपुर्द किया। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत खुशी महसूस हो रही है कि ऐसे भी इस धरती पर ऐसे लोग हैं जिसे उम्मीद नहीं थी, वो भी मिल गया।